हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकारें बनाई है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आश्चर्यजनक रूप से भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं, जिनको लेकर चुनावी विश्लेषकों में एक तरह की बेचैनी है कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन सच यही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने बिना किसी सीएम के फेस के चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। इस वीडियो में आगे हम सुप्रिया श्रीनेत के बारे में बात करेंगे और उन यूट्यूबर्स और पत्रकारों के बारे में भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है जिन्होंने कांग्रेस के लिए ज़बरदस्त माहौल बनाया। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स, उनके कार्यक्रम यही बताते थे कि कांग्रेस बहुत मार्जिन के साथ जीत रही है, भाजपा कहीं नहीं है, लेकिन जब चुनावी रुझान आए तब उनकी स्थिति देखते ही बनती है। लेकिन उससे पहले चर्चा कांग्रेस की करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में काफ़ी आत्मविश्वास था कि कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना लेगी और राजस्थान को लेकर भी मोटा मोटी मेरा भी आकलन यही था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, भले ही विधायकों के प्रति लोगों में नाराजगी है, लेकिन अशोक गहलोत के प्रति कहीं भी रोष नहीं देखा गया। मैंने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स की, उनमें भी लोगों ने यही बताया कि मुख्यमंत्री अच्छा है लेकिन विधायकों में बहुत खामियां हैं, उसको लेकर हो सकता है कि जनता उनके खिलाफ वोट करें। यहां तक कि भाजपा समर्थक भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री होने से नाराज नहीं थे। यह सच है कि जब चुनावी कैंपेन शुरू हुआ अशोक गहलोत ने पूरे चुनाव कैंपेन को अपने हाथ में लिया था। अगर कांग्रेस सरकार बना लेती, अपनी सरकार रिपीट कर लेते तो निश्चित रूप से इसका श्रेय केवल और केवल अशोक गहलोत को जाता। अब अगर हार गए हैं तो निश्चित रूप से सारा प्रेय भी अशोक गहलोत को जाता है। गहलोत ने कहा भी था कि वह राजस्थान की हर सीट पर स्वयं लड़ रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी बागडोर अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ले रखी थी। केंद्रीय नेतृत्व का इतना रोल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े मार्जिन के साथ भाजपा ने सरकार बनाई और कांग्रेस हार गई। राजस्थान की बात मैं मुख्य रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वयं राजस्थान का हूं, यहां की स्थिति को मैं बखूबी समझ सकता हूं। अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया था स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जिस तरह की अशोक गहलोत योजनाएं लेकर आए थे और जिस तरह से आमजन को जो सुविधाएं मिली वह बहुत ऐतिहासिक कदम था, उसको लेकर अशोक गहलोत के प्रति लोगों में जरा भी नाराजगी नहीं थी। लेकिन रणनीतिक चूक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और इस हार की वजह निश्चित रूप से सचिन पायलट और उनकी कलह है, उसी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर जो 40 के इर्द गिर्द सीटें हैं वहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वह क्षेत्र सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गुर्जर समुदाय का प्रभुत्व है और वह प्रभुत्व नतीजों में काफी देखने को मिलता भी है। वहाँ पर कांग्रेस ने अब की बार बहुत कम सीटें जीती। इसके अलावा चुनाव हारते ही अशोक गहलोत के करीबी व्यक्ति लोकेश शर्मा ने भी अनेक आरोप लगाए। इसके इतर भी देखें तो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर जो बातें कही, जो उनकी आपसी कलह थी, वह निश्चित रूप से राजस्थान के चुनाव को प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं समझता हूं कि वहां पर अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले बैठा और आखिरी दिनों में जो भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, संभव है कि वह भी चुनाव में काफी प्रभाव डाला हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को रिपीट किया है और उन्होंने दोबारा सरकार बनाई है। तो मोटा मोटी कहें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट रूप से सीएम फेस नहीं था। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। लोग बिना सीएम फेस के भी भाजपा को वोट दे सकते हैं, इस बात को अब विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए और इसका तोड़ क्या हो सकता है इस पर भी मंथन किया जाना चाहिए। क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक नेता के ऊपर अब डिपेंडेंट हो गई है, वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट काफी सुदृढ़ है, उसका कैडर बहुत मजबूत है, इसकी वजह से चुनाव में उसको फायदा होता है। मगर हम इन चुनावी आंकड़ों को और खोलकर देखें तो कांग्रेस को जनता ने नकारा नहीं है, यहाँ रणनीतिक चूक आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वहां पर भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, लोगों ने वोट लगभग समान दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि सरकार वही बनाते हैं जो ज्यादा सीटें जीतता है। इससे आपको समझने को मिलेगा कि भाजपा ने उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जो जनसंख्या में तो भले ही कम हो लेकिन विधानसभा की सीट ज्यादा जीत पाए, क्योंकि अंतोदगतवा सरकार वही बनाता है जो ज्यादा सीट जीत जाता है। वोट शेयर कितना है अधिक महत्वपूर्ण नहीं रखता है, जैसा कि इन चुनावों में हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को लोगों ने नकारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीट नहीं जीत पाई है, जबकि अंतिम चीज तो वही है। खैर जो भी हो, कांग्रेस के लिए ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सबक हैं जिन पर इनको तत्काल चिंतन करना चाहिए। हालांकि जमीनी रणनीति क्या हो और चुनाव कैसे जीता जाता है यह तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहे कुछ काम हैं, उन पर अगर मंथन किया जाए तो संभव है कुछ तस्वीर बदल सकती है।
वे मैं यहाँ पर एक एक करके बताना चाहता हूँ। पहला तो यही है कि भाजपा वोटर को धर्मांध या सांप्रदायिक समझना बंद करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको 60 साल तक सत्ता में रखा था। अब अगर आप उन पर भक्त का लेबल लगा देते हैं तो कैसे चलेगा। दूसरा, कुछ पत्रकारों की अनवरत निशानदेही, उनका बहिष्कार और उनका अपमान करने से बचें। मुट्ठी भर यूट्यूबर्स और इस्लामिस्ट फैक्ट चेकरों द्वारा जो सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है उस पर फिदा न हूँ। ये लोग ज़मीन से बेइंतहा कटे हुए हैं और नागरिक बोध को धत्ता बताते हैं। हिंदू जीवन शैली पर लगातार आक्रमण इनका शगल है। जब कांग्रेस इनसे कदमताल करती है तो जनता कुछ कहती नहीं है, लेकिन मतदान के समय अपनी ताकत दिखाती है। और यह इस बार भी सच हुआ है। चुनावों से पहले इन यूट्यूबर्स का सुर और बाद में इनकी खींच सामने आई है। कभी जाड़ा होगा, कभी गर्मी होगी, कहीं जाड़ा होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस 46 में कांग्रेस ने गियर। हाँ। ये चीज जो हमें समझ में नहीं आ रही, कहा जाता है जब समझ में ना आए तो क्या है, इसका मतलब वो प्यार है। यानी कोई व्यक्ति जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, उसके पास कोई अच्छी नौकरी भी ना हो और वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है, पूछते हैं लोग इसमें क्या देखा, तो प्यार है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जिसको अतुल कह रहे थे कि मामा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए, मैं कहती हूँ कि भारत में अब चुनाव भावनात्मक चुनाव हो रहे हैं, इमोशनल वोटिंग हो रही है, जिसमें आप ये नहीं देख रहे, अंधी मोहब्बत है देश में। तो जब आप मध्य प्रदेश जा रहे थे तो ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की लगातार राजनीति है, जाहिर है हमें से यहाँ कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन एक सोच ये भी है कि हिंदुत्व का दबाव भारत की राजनीति पर इतना है कि आप एक आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं कर सकते और थोड़ा सा इधर भी खुश करना पड़ेगा। तीसरा, कोरोना काल में जब सरकारों ने जरूरतमंदों को राशन पानी मुहैया करवाया था तो आजकल इस्लामिस्ट इस बात की मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं को लेकर कि ये लोग 2 किलो राशन पर पलते हैं, जबकि वह राशन तो सबको मिला था, केवल हिंदुओं को थोड़ी मिला था। लेकिन छवि बनी कि हिंदू भूख मर रहे हैं लेकिन वोट देंगे मोदी को। इन यूट्यूबर्स ने भी जमीन पर आकर लोगों को इस बात के लिए झिंझोड़ा और सोशल मीडिया पर उन क्लिप्स को डालकर मजे लिए। दरअसल वोट का कारण बदल चुका है, जनता अपने सम्मान को वोट देती है। चौथा यह है कि राहुल गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे भारत के करोड़ों लोग अच्छे और शालीन हैं, तो क्या सारे राजनेता हैं? यकीनन नहीं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्वयं को कठोर निर्णय लेना चाहिए, जैसे उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर न रहने का जो एकदम दृढ़ निर्णय लिया था वैसा ही अब लेना चाहिए। अब जाकर उनको समझ लेना चाहिए कि देश की जनता में उनकी वह छवि पैठ प्रभाव नहीं बन पाया है कि वो अपने दम पर चुनाव जिता सकें। अब किसी और को आगे लाकर स्वयं को पीछे कर लेना चाहिए, यही समय की मांग है। पांचवा यह है कि कुछ प्रवक्ताओं में तब्दीली आवश्यक है। हर वक्त चीखना, जनता को ही गुमराह समझना जबकि वो कह रहे हैं उसे ही सही माना जाए, वरना सब गोदी मीडिया। यह जो पूर्वाग्रह, अहंकार और खीज है, यह सीधे करोड़ों घरों तक पहुँचती है और यह दरअसल एक नकारात्मकता है। और इस काम में पिछले 1-1.5 साल से सुप्रिया श्रीनेत ने काफ़ी योगदान दिया है। वह कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड हैं और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच कंपैरिजन के चलते वह कभी कभी इस तरह की ग्राफिक्स, इस तरह की वीडियो, इस तरह की टिप्पणियां कर देती हैं जिससे लोग आहत होते हैं। और जब वह टीवी पर आती हैं तो वह जिस तेवर से, जिस अहंकार से, जिस लहजे से बोलती हैं वह दरअसल जनता को पसंद नहीं आता है। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। भले ही वह आत्ममुग्धता में उन्हें लगता होगा कि वह एग्रेसिव होकर भाजपा प्रवक्ताओं पर प्रभावी हो जाएंगी, लेकिन किसी भी सही बात को कहने के लिए इस तरह के तेवर की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी बात में तथ्यात्मक वजन है तो निश्चित रूप से आप शालीनता से भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की एक छवि गढ़ने की कोशिश की गई, उन्हें जननायक कहा गया और नरेंद्र मोदी पर पनौती जैसे उपहासजनक शब्द थोपने की कोशिश की गई, और वर्ल्ड कप में हार के बावजूद उस हार का कारण प्रधानमंत्री मोदी को बदलाने की कोशिश की गई, और यह आसरा लिया गया कि जब आप राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणियां करते हैं तो क्या हम प्रधानमंत्री पर नहीं कर सकते क्या। यह जो एक स्वीकारोक्ति होती है कि हम बदले की भावना से यह पनौती शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कोई खास अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हेड बनने के बाद में सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत नुकसान किया है कांग्रेस का, उन्होंने कांग्रेस की एक गलत छवि बना दी है। इसमें कितनी सच्चाई है यह एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह एक सबक है कि प्रवक्ताओं को भी कुछ संभल कर कुछ रचनात्मक करना चाहिए। संबित पात्रा जब टीवी स्क्रीन पर चुभने लगे थे तो बीजेपी ने उन्हें स्क्रीन से गायब कर दिया था। आप आजकल संबित पात्रा को कहीं नहीं देखते हैं, आप लगातार
सुधांशु त्रिवेदी और सहजाद पुनेवाला को देखते हैं जो कि शालीन भाषा में तथ्यात्मक रूप से अच्छी बात करते हैं। छठा यह कि कमलनाथ जैसे नेता धीरेन्द्र शास्त्री से मिले तो उस पूरी लोबी ने उन बाबा का जबरदस्त मजाक उड़ाया, ढोंगी और पाखंडी कहा। इस खींच के पीछे यह लगातार चली आ रही मनोवृत्ति है जब हिंदू धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाया जाता है, हालांकि वैसा औरों के साथ नहीं किया जाता, जबकि चुनावों के बाद भी ये लोग रुके नहीं हैं। सच यही है कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि बन चुकी है, इसको तोड़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों, सलाहकारों, पत्रकारों और इस्लामिस्टों को परिचय देना बंद करना होगा जो दिन रात हिंदुओं और सनातन का अपमान करते हैं। आपकी राय क्या है इस विषय पर, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा मानना ये था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।